नमस्कार, पोलस्काई में आप सभी का स्वागत है। हर माह में दो बार एकादशी तिथि पड़ती है। शुक्ल और कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी का व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक एकादशी व्रत का बहुत अधिक महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा गया है। इस दिन व्रत रखने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस साल बुधवार 7 अप्रैल को पाप मोचनी एकादशी मनाई जा रही है। ऐसे में आइए जानते हैं इस पावन दिन क्या करें और क्या ना करें। एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। इस पावन दिन भगवान विष्णु की पूजा जरूर करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन सात्विक भोजन ग्रहण करें और मांस मदिरा का सेवन से दूर रहें। एकादशी के पावन दिन चावल भी ना खाएं। इस दिन किसी भी तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल ना करें। इस पावन दिन ब्रह्मचर्य का भी पालन करें। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार इस दिन दान करने का अधिक महत्व है। इस दिन दान पुण्य जरूर करें। एकादशी के पावन दिन भगवान विष्णु को भोग भी लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।